नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज उत्तराखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और यहाँ तक कि दिल्ली के लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा आगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है ये है रुड़की देवबंद रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, रुड़की और देवबंद के बीच में ये कौन सी रेलवे लाइन डल रही है, इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, इसके बारे में खुद मैं पर्सनली 10 साल से सुनता आ रहा हूं और बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है। आम आदमी जो यहां पर रहता है हरिद्वार में, देहरादून में और उत्तर प्रदेश के देवबंद के आसपास के इलाकों में और मुजफ्फरनगर और दिल्ली तक भी, वो सब जानते हैं कि यहां पर ट्रेन जो टाइम लेती है वो कम हो सकता है, लेकिन ये टाइमिंग ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि सहारनपुर होते हुए अभी तक हरिद्वार और देहरादून और रुड़की की ट्रेनों को आना पड़ता था। लेकिन क्यों सहारनपुर जाया जाए अगर सहारनपुर स्टॉपेज ही ना हो, जैसे कि हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि सहारनपुर के टपरी से होते हुए बाईपास आती है देवबंद, क्योंकि उसे सहारनपुर नहीं जाना बल्कि शताब्दी को जाना होता है। यही कारण है शताब्दी जाती है और उसके बाद लोको रिवर्सल में 25 मिनट वहाँ पे उसके बेकार होते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए निकलती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उसका स्टॉपेज है यही कारण उसको जाना पड़ता है और यहाँ तक कि वंदे भारत को भी। अब यहाँ पर जनशताब्दी जैसी ट्रेनों की क्या गलती है जो कि सहारनपुर नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन रुड़की और देवबंद के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, फिर भी उनको घूम के जाना पड़ता है टपरी होते हुए जो कि सहारनपुर में ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, रुड़की और देवबंद के बीच में रोड के द्वारा तो गाँव से होते हुए हमारे को एक अच्छा नेटवर्क मिला हुआ है कि हम लोग देवबंद से रुड़की जल्दी से आ जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन के द्वारा नहीं मिला हुआ है। ट्रेन को सीधा सहारनपुर जाना ही पड़ता है टपरी होते हुए भी, और उसके बाद बहुत ही कम स्पीड में टपरी से कर्व लेते हुए ट्रेन धीरे 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 फिर दोबारा से मेन लाइन पर आती है जो कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर रेलवे लाइन है, और यहाँ पर फिर वो देवबंद पहुँचती है। अब आप ये बैकग्राउंड में वीडियो देख रहे होंगे, ये रुड़की स्टेशन से मेरी ट्रेन डिपार्चर ले रही है और मैंने यहाँ पर कुछ काम होता देखा और एकदम से मुझे समझ में आ गया आखिरकार ये वही काम चल रहा है जो कि रुड़की रेलवे स्टेशन से सीधा एक लाइन निकाली जा रही है देवबंद के लिए, ये वही काम है। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को उस वक्त देख करके। और अब इसके बाद रुड़की भी जंक्शन बन जाएगा और देवबंद स्टेशन भी जंक्शन बन जाएगा जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। पिछली वीडियोस में जब मैंने इस प्रोजेक्ट की बात करी थी दोस्तों, तब रुड़की रेलवे स्टेशन पर काम नहीं हो रहा था, ये नया है। तो इसमें आप पूरी तरीके से विश्लेषण करते हैं इस लाइन का दोस्तों। इससे पहले आपको बता देता हूं, इस लाइन का जो टोटल डिस्टेंस होने वाला है वो 28 किलोमीटर होने वाला है, सिंगल लाइन होने वाली है। दो स्टेशन बनने हैं जिसमें एक होगा झबरेड़ा जो कि यूके मतलब उत्तराखंड में पड़ेगा रुड़की के नज़दीक, और एक होगा देवबंद के नज़दीक पड़ने वाला भनेरा खास, ये उत्तर प्रदेश के देवबंद के नज़दीक पड़ता है। तो दोस्तों, ये दो रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं इसमें भनेरा खास की जो बिल्डिंग है वो लगभग तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जमीन का समतलीकरण का काम चल रहा है जिससे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म को बनाया जा सके और ट्रैक्स को बिछाया जा सके आगे चल करके। इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 2024 के मिड तक लगभग मान के चला जा रहा था, लेकिन अभी काम को देखते हुए ये 2024 के अंत तक और 25 की शुरुआत में ही आपको इसका उद्घाटन होता हुआ दिख सकता है। अब देखते हैं दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि रुड़की और देवबंद के बीच में डिस्टेंस ट्रेन का ज्यादा है और रोड का कम है, अब यही है कारण कि इस लाइन को लेकर आना पड़ा। चलिए अब विश्लेषण करते हैं इस लाइन को लेकर आने के एक और भी जो कारण है। सबसे मेन कारण ये है कि रुड़की सहारनपुर देवबंद रेलवे लाइन जो है इसमें सहारनपुर जब जाना पड़ता है तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट। अब इसमें 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं अगर शताब्दी ट्रेन का, हालांकि शताब्दी देवबंद में नहीं रुकती है सीधा मुजफ्फरनगर रुकती है, फिर भी अगर हम अंदाजतन बात करें तो लगभग 1.5 घंटा लगता है शताब्दी को भी इस 70 किलोमीटर को तय करने में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 25 मिनट बर्बाद होते हैं लोको रिवर्सल में सहारनपुर में। हालांकि वंदे भारत ट्रेन जब से इस रूट पर आई है उसको ये दिक्कत नहीं महसूस होती, वो दोनों तरफ से ऑपरेट हो सकती है, 10-5 मिनट में भी वहां से चल सकती है। तो ऐसे में अगर लोको होल ट्रेन है उनको परेशानी है। चलिए अब जनशताब्दी की बात करते हैं और इसके साथ में ही हम बात करेंगे टपरी वाले रूट की। अब टपरी कहां पड़ता है, टपरी सहारनपुर से पहले पड़ जाता है। तो जिस ट्रेन को सहारनपुर नहीं जाना है और देवबंद जाना है तो उस ट्रेन को सहारनपुर ना भेज के एक कर्व लेते हुए सहारनपुर स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर पहले, यहां पर स्पीड बहुत ही कम रहती है। टपरी पहुंचने के बाद अब यहां पर टोटल डिस्टेंस देवबंद तक का वाया टपरी 60 किलोमीटर का होता है ऑलमोस्ट, 59.8 किलोमीटर, और इसको तय करने में जनशताब्दी ट्रेन को 1 घंटा 10 मिनट लग जाता है और नॉर्मल ट्रेनों को लगभग 1.5 घंटा। तो आप देख सकते होंगे कि
कि अगर हम वाया सहारनपुर वाले रूट की बात करें, 28 किलोमीटर की महज जो रेलवे लाइन होनी चाहिए उससे ये 41 किलोमीटर ज्यादा है, ज्यादा ट्रेन को चलना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें वाया टपरी तो यहाँ पर भी 32 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा है, काफी टाइम बर्बाद होता है। तो जैसे ही हमारी 28 किलोमीटर की रुड़की देवबंद रेलवे लाइन वाया झबरेड़ा और बनहेरा खास होते हुए जो जा रही है वो बनकर तैयार हो जाएगी, तब हमारी ट्रेन दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली रुड़की और देहरादून के बीच में जो चल रही हैं अभी, उन सभी ट्रेनों के टाइम के अंदर लगभग एक घंटे से ज्यादा ही मुझे लगता है कि डिफरेंस आएगा, कम ही आनी चाहिए इतनी। तो अगर अभी दिल्ली से रुड़की के बीच में जनशताब्दी एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे 54 मिनट ले रही है, सीधा सीधा जब ये रुड़की देवबंद जाएगी तो ये लगभग 2 घंटे 50 मिनट से लेके लगभग 3 घंटे लेगी जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर हम हरिद्वार से दिल्ली की बात करें वहाँ पर भी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की ही कमी आने वाली है, 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही कुछ ना कुछ वो नंबर रहेगा। तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस एक लाइन से कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिन ट्रेनों को नहीं जाना सहारनपुर वो ट्रेनें जल्द से जल्द दिल्ली पहुँच सकती हैं। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो कहता है कि वो बहुत ही जल्दी देहरादून से दिल्ली के बीच का सफ़र तय करा सकता है लगभग 2.5 घंटे में, तो ऐसे में तो अभी रेलवे को भी अपना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैक के साथ में आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ की ट्रेनें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक पर चल रही हैं। तो दोस्तों इस पर नज़र मेरी बनी रहेगी, जैसे ही कुछ ऑफिशियल न्यूज़ आती हैं आपको चैनल पर पता लगता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप लोग हरिद्वार देहरादून आते रहते हैं दिल्ली से, तो आप बताइए कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था और क्या इस प्रोजेक्ट के होने के बाद टाइम बचेगा और कौन कौन सी ट्रेनें इस प्रोजेक्ट के बाद इस रूट पर आ जाएंगी जो अभी तक टपरी जा रही थी। तो आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।